कर्नाटक के मंगलुरु में 19 नवंबर को हुए धमाके की मुख्य आरोपी मोहम्मद शारिक को लेकर बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। रिपोर्ट्स में ये बात सामने आ रही है कि ऑटो में हुए विस्फोट के सभी आरोपियों ने आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट यानी ISIS से ट्रेनिंग ली हुई है। इन लोगों ने देश में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए 40 से ज्यादा लोगों को ट्रेन भी किया। दावा है कि आरोपी शारिक 19 नवंबर को कुकर बम से मंगलुरु की खादरी मंजूनाथ स्वामी मंदिर में विस्फोट करने वाला था। शारिक के पास से मंगलुरु और उसके आसपास के इलाकों में स्थित कई मंदिरों के नक्शे मिले। आरोपियों ने इसके लिए पुख्ता प्लान तैयार कर रखा था। बताया जा रहा है कि मंगलुरु विस्फोट का मुख्य आरोपी शारिक जिहादी जाकिर नाइक से भी प्रभावित था। वो उसका वीडियो भी देखता था और उसे अपने दोस्तों और बाकी लोगों को शेयर भी करता था। बता दें कि कर्नाटक के शिवमोगा जिले के चीर्थहल्ली का रहने वाला 24 साल का शारिक एक प्रेशर कुकर बम लेकर ऑटो रिक्शा में यात्रा कर रहा था, जिसमें डेटोनेटर, तार और बैटरी लगी हुई थी और इसमें विस्फोट हो गया था। इस धमाके में शारिक बुरी तरह झुलस गया, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस विस्फोट में ऑटो चालक भी घायल हो गया था। पुलिस ने इस धमाके को आतंकी घटना करार दिया। टाइम्स ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।